नमस्कार दोस्तों, वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम आज किस मुद्दे पर अपनी एक सीधी बात करने वाले हैं। सही पकड़े आप, सही पकड़े बोलने वाली एक सीरियल करने वाली एक बौड़म महिला ने अपनी बौड़म पंथी दिखाना शुरू कर दी है। इन मोहतरमा ने जब से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, हमें तो इंतजार था कि ये ब्लंडर अब करने वाली है, और कल इन्होंने एक वीडियो के थ्रू भर भर के ब्लंडर्स किए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बौड़म महिला जी को सपोर्ट करने वाले कई लोग, जो उस दिन उस टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, तब ये लोग बहुत मुझे बोल रहे थे, तो क्या वो कांग्रेस ज्वाइन कर ली, हमारे लिए तो वो महान थी, महान है, महान रहेंगी, वो हमेशा सही है। अब मुझे जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि कई लोग जो उस दिन उन्हें महान और सही बोल रहे थे, अब वो लोग भी अपनी आंखों का अंधापन दूर करके सच देखना शुरू कर चुके हैं, और बौड़म महिला का जो सपोर्ट और जो फैंडम था वो शायद गिने चुने 25-30 लोगों तक सीमित होके रह चुका है। बौड़म महिला और उनके भाई यानी कि उनका ब्लंडर भाई ने एक वीडियो डाला, और वीडियो का कैप्शन भी सुनिए, सेंसिबल वीडियो। वीडियो का टाइटल है सेंसिबल, और वीडियो में बातें ऐसी थर्ड क्लास टाइप की चिंदी की गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे वो वीडियो फॉरवर्ड हुआ, मैंने देखा, भैया वीडियो में क्या क्या नहीं बोला जा रहा है, सिद्धू पाजी ने क्या गलत बोला, सिद्धू पाजी ने तो सही बोला है, सिद्धू पाजी को जो लोग गलत बोल रहे हैं वो लोग भौंकते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। यही नहीं, बौड़म महिला के मुताबिक ये जो आतंकवादी हमला हुआ हमारे जवानों के ऊपर, इस हमले के बाद जो लोग सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं, वो लोग सबके सब फुटेज हंग्री हैं, अटेंशन सीकर हैं। बौड़म महिला और उसके भाई ने अंग्रेजी का एक ही वर्ड सीख रखा है, फुटेज। उनके मुताबिक अगर उन भाई बहन का नाम किसी वीडियो में लिया जा रहा है तो दुनिया फुटेज ले रही है उनसे, लेकिन जब उस बौड़म महिला का सपोर्ट करते हैं सब लोग तब फुटेज नहीं होता है, तब यही लोग बोलते हैं थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना सपोर्ट किया, आपने हमें इतना इम्पोर्टेंस दी अपने वीडियोस में, अपने पोस्ट में। लेकिन जब आप उनकी सच्चाई सामने रखते हैं तो आप उनके नाम से फुटेज लेने लगते हैं, फुटेज हंग्री लोग। यही नहीं भैया, सेंसिबल वीडियो में एक और बात कही गई है कि ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना सड़क पर, ये वही लोग हैं जो कल को अगर अजमल कसाब आएगा ना तो उसके साथ फोटो लेंगे और उसे अपनी DP बना लेंगे। भाई एक बात बताओ मुझे, इंडिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसने अजमल कसाब के साथ सेल्फी ली हो? क्या इस बौड़म महिला को पता भी है कि अजमल कसाब कहां से आया था, क्या करने आया था? तो वो सेंसिबल वीडियो में बौड़म महिला ने बहुत सारी बातें की हैं, आपके प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। अरे आपके प्रधानमंत्री से क्या मतलब है, जस्ट बिकॉज कि तुमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली तो क्या वो तुम्हारे प्रधानमंत्री नहीं है? प्रधानमंत्री जो होता है वो पूरे देश का होता है, वो तेरा मेरा इसका उसका नहीं होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। पॉलिटिक्स में एंट्री कर तो ली है ब्लंडरबाज बौड़म महिला ने, लेकिन मुझे पता था कि ये बहुत जल्दी ऐसे ऐसे ब्लंडर्स करेगी कि उसके ऊपर वीडियो बनाना तो बनेगा। कुछ लोग कहेंगे कि भाई मैं उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देता हूं, भाई मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी बिग बॉस 11 में, जो इस बौड़म महिला को मैंने सपोर्ट किया था, तो जो पाप मैंने किए हैं वो पाप मुझे ही धोने पड़ेंगे ना, गलतियों का प्रायश्चित तो मुझे ही करना पड़ेगा। मैं बौड़म महिला के खिलाफ खुलकर आया नहीं था, मुझे तो मजबूर कर दिया गया बौड़म महिला और उसके भाई ने कि मैं खुलकर चौड़े में इनके खिलाफ आके खड़ा हूं। जैसा कि हमारे देश का फंडा है, हम आगे बढ़ के किसी को छेड़ते नहीं है, और अगर कोई हमें छेड़ देगा तो हम उसे छोड़ते नहीं है। उसी तरह से मैं आगे बढ़ के इनको छेड़ नहीं रहा था, इन लोगों ने मुझे छेड़ दिया तो मैं इनको छोड़ने वाला तो हूं नहीं। उरी फिल्म में डायलॉग है कि ये जंग हमने शुरू नहीं की थी बट वी विल ब्लडी फिनिश इट, तो भैया मैं तो छोड़ने वाला हूं नहीं, मुझे जब जब जहां जहां मौका मिलेगा इस बौड़म महिला की पोल खोलने का, मैं तो वहां डंकी की चोट पर पोल खोलूंगा। इस दोगली बौड़म महिला का चरित्र मैं पहले ही भांप चुका था, लेकिन तब सिर्फ मैंने अकेले इसका वो दोगला चेहरा देखा था, अब वो दोगला चेहरा पूरी दुनिया देख रही है, एंड आई एम जस्ट लविंग इट। ये बौड़म महिला सिद्धू को सपोर्ट कर रही है, बात कर रही है कि हमारे देश को शांत रहना चाहिए। अरे भाई 40 लोग जो शांति से अपनी ड्यूटी करने अपनी प्लाटून में जा रहे थे, उन लोगों के ऊपर एक शांति प्रिय समुदाय ने आकर जबरदस्ती में बम ब्लास्ट कर दिया गाड़ी ठोक कर, और ये बात कर रही शांति की, और ये बात कर रही है कि जो देश के करोड़ों लोग जो गुस्सा दिखा रहे हैं वो सब फुटेज ले रहे हैं, ये कोई सेंसिबल बात होती है?
उन परिवारों के दुख को अपना दुख समझकर अपनी गुस्सा निकालना पाकिस्तान के खिलाफ, कहां से ये चीज फुटेज सीकिंग लगती है किसी को। एक एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि कल हमारे यहाँ पर भी एक ऐसा ही इवेंट हुआ जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, कैंडल मार्च किया गया। मैं चाहता तो उस इवेंट में मैं भी था वहां पर, अपने थॉट मैंने भी शेयर किए। चाहता ना तो उस पूरे इवेंट को कवर करके उसका वीडियो बनाकर सेल्फी लेके मैं डाल सकता था, लेकिन हम उन जैसे लोगों में नहीं है जो हर चीज को एक यू नो इमेज बिल्डिंग के तौर पर बनाकर प्रस्तुत करने की, गाइस देखो मैं आज ये कर रहा हूं, मैंने शहीदों के लिए ये किया, देखो मैं आज शहीदों के सम्मान में यहां पर आया हूं, मैं ये कर रहा हूं। मुझे अपनी पीठ अपने हाथ से थपथपाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उस टाइप का इंसान हूं कि अगर राइट हैंड से किसी के लिए कुछ करूं तो लेफ्ट हैंड तक को पता न चलने दूं। लेकिन ये बॉर्डर महिला और इसके भाई ऐसे हैं जो करेंगे किसी के लिए कुछ नहीं, लेकिन दुनिया में ढिंडोरा ऐसे पीटेंगे जैसे बहुत कुछ कर दिया हो। तो ऐसे बॉर्डर महिला और उसके भाई से सेंसिबिलिटी की उम्मीद करना बिल्कुल बेमानी है। और लेकिन इत्तफाक देखिए कि इन लोगों ने वीडियो डाल दिया, सेंसिबल टॉक्स, सेंसिबल वीडियो। सेंसिबिलिटी और तुमसे एक्सपेक्टेड है ही नहीं। पूरी दुनिया के सामने बॉर्डर महिला और उसके भाई का असली चेहरा एक्सपोज हो चुका है, एंड अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए, अभी तो इन्हें और जलील होना है। एंड जिस तरह से इन्हीं के फैंस इन्हीं को सुना रहे हैं कि भैया आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था, हमने आपको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन अब आप टू मच कर रहे हो। भैया अभी तो क्या है, अभी तो आप देखते जाओ, ये वही बॉर्डर महिला है जो सलमान खान का जो ब्लैक बक वाला केस चल रहा था, किसी मीडिया चैनल में जाकर सलमान खान के डिफेंड में ये क्या क्या बोल बैठी थी, हिरण ही तो मार दिया ना, हिरण का मटन तो मैंने भी खाया है। अब हिरण का मटन अगर आपने भी खाया तो डेफिनेटली हिरण को मारा ही होगा, कि जिंदा हिरण थोड़ी खा लिया होगा। तो सलमान भाई के डिफेंस में ये क्या क्या बोल गई थी इनको खुद को नहीं पता। यही नहीं, ये बहुत कुछ बोल जाती हैं फ्लो फ्लो में, क्योंकि इनको तो पता रहता ही नहीं कि कब कहां क्या बोलना है। लेकिन बाद में जब कोई सवाल पूछता है, आपने वहां ऐसा बोला कब, ना 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 मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला, नहीं 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 मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं बोला होगा। उनके अंधे फैंस भी जस्टिफाई करने लगते हैं, उनके अंधे फैंस भी उनका हागा हुआ साफ करते हैं कि नहीं नहीं वो ऐसा कभी नहीं बोल सकती। मैं तो बॉर्डर महिला से एक ही चीज कहूंगा, अगर आपको देश की और पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, और अगर आपको शहीदों के परिवार के प्रति संवेदना बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आपको लोगों में जो गुस्सा है पाकिस्तान के खिलाफ उसका अगर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, तो प्लीज ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर मत बोलो। ऐसा बोलोगे तो आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लोगे, क्योंकि तुमको न शहीदों के प्रति कोई संवेदना है, न देश के प्रति तुम्हारे मन में कोई इज्जत है, तुमको सिर्फ सिद्धू पाजी से प्यार है, सिद्धू को पाकिस्तान से प्यार है, तो इनडायरेक्टली तुमको भी पाकिस्तान से ही प्यार है। एक आर्टिस्ट हो तुम, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन फिलहाल के लिए आज की परिस्थिति में देश डिमांड करता है कि देश का बच्चा बच्चा देश के सिपाहियों के साथ खड़ा हो। भाड़ में गई शांति, भाड़ में गई बातचीत। इस नोट के साथ वीडियो खत्म करते हैं। आपने वीडियो देखा, समय निकालकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।